आज 23 जून 2024 है। आज की कुछ अहम खबरें हैं वो हम आपको बताएंगे। बड़ी जो खबर है वो है बहुजन समाज पार्टी BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया है। इस बारे में BSP नेता लालजी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया। उन्होंने कहा BSP प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आकाश आनंद पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक होंगे यानी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होंगे। इससे पहले आकाश आनंद के बारे में आपने तमाम खबरें सुनी होंगी। 2024 में लोकसभा के जो चुनाव चल रहे थे मायावती ने उनको ये कह करके कि ये पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, पार्टी में जो पोस्ट थी उनकी कोऑर्डिनेटर की नेशनल कोऑर्डिनेटर की उससे हटा दिया था, साथ ही उनको अपने उत्तराधिकारी के SS से भी हटा दिया था। मायावती ने पूर्ण परिपक्वता हासिल होने तक उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से भी मुक्त किया था। अब ये 4 जून को नतीजे आए और आज 23 जून है। 19 दिन के अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी कैसे आ गई आकाश आनंद के अंदर? मायावती ने ऐसा क्या देखा कि आकाश आनंद के अंदर उनको लगा कि वो पॉलिटिकली इमेच्योर से मैच्योर हो गए और अब उनको बहाल कर देना चाहिए नेशनल कोऑर्डिनेटर पर भी के पद पर भी और अपने उत्तराधिकारी के पद पर भी? जिस वक्त आकाश आनंद को हटाया गया था उस वक्त बहुत सारी खबरें चली थी और मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर जो रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से तमाम बातें कही थी। हमने भी उस वक्त एक रिपोर्ट की थी और बताया था कि आकाश आनंद को मायावती ने भारी दबाव के बाद हटाया है। आकाश आनंद लीड कर रहे थे BSP को चुनाव में, जगह जगह पर उनके कार्यक्रम हो रहे थे, भीड़ पहुंच रही थी, लोग सुन रहे थे, तवज्जो से सुन रहे थे। आकाश आनंद की उम्र कम है लेकिन वो जब बात कर रहे थे तो मेच्योरिटी हो सकती है उम्र की वजह से या पॉलिटिकली अभी उनका बहुत लंबा चौड़ा वक्त नहीं बीता है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं लगे कि अभी वो पूरी तरह मेच्योर नहीं है। मगर मायावती ने जो हटाया था दिल्ली सरकार के भारी दबाव की वजह से। अब मायावती एक बड़ी लीडर हैं उत्तर प्रदेश की, चार बार मुख्यमंत्री रही हैं, बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा सब कुछ हुई हैं, तकरीबन शुरू से हुई हैं। मान्यवर काशीराम ने जो आंदोलन शुरू किया था बहुजन समाज को लेकर के, मायावती ने वो जो कार्यक्रम था उनका वो पूरी तरह से पॉलिटिकल किया और उसमें पॉलिटिकल भी इस तरह से किया कि उनको सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहना था। जब वो सत्ता में रहीं तो बहुत सारे काम सत्ता में जब रहते हैं लोग तो ऐसे भी हो जाते हैं जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार या अवैध कार्य। जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक मायावती, उनके भाई और उनके और कुछ लोगों के नाम पे पहले से भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमे CBI में, ED में चल रहे हैं, उनकी फाइलें हैं। काफ़ी पहले मायावती को नोएडा के एक कार्यालय में बुला करके, किसके कार्यालय में बुलाया गया था वो हम नहीं बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे खुद ही, वहाँ बुला करके उनकी फाइलें दिखा दी गई थी और समझा दिया गया था कि आपको क्या करना है, आप खूब अच्छी तरह से समझ लें, जान लें, सोच लें। तो आपने देखा होगा जब जब चुनाव हुए, चाहे विधानसभा के हों UP में या फिर ये अभी लोकसभा के चुनाव, बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में कहीं नज़र ही नहीं आई शुरू से। ऐन वक्त पर उसने अपने कई सारे उम्मीदवार बदले, उम्मीदवारों को बदलने के लिए भारी प्रेशर उनके ऊपर था और वही वो प्रेशर था
क्या आप आकाश आनंद को लगाम दें, इन्हें रोके, वो एकदम फायर ब्रांड लीडर की हैसियत से सामने आ रहे थे। उनके खिलाफ गोरखपुर में FIR भी हो गई थी जब उन्होंने कुछ आतंकवादी कुछ कह दिया था एक बड़े नेता को। मायावती के ऊपर सीधा दबाव है, दबाव था, अभी भी दबाव बरकरार है। लोग उम्मीद जता रहे थे कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी, वो किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी। और हमारा अपना मानना ये है कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों को मिलकर के मायावती का रेस्क्यू करना चाहिए। वो जिस दबाव में और जिस मुश्किल में फंसी हुई है उसे उससे निकलना चाहिए। बहुजन समाज की राजनीति को वैसे तो मायावती ने ख़त्म करने के ही काम किए हैं। मान्यवर काशीराम के आंदोलन को पूरी तरह से उन्होंने खुद ही तहस नहस कर दिया, कुचल के रख दिया। इत्तफाक है कि मैंने मान्यवर काशीराम को देखा 90 के दशक में, ये हम बात जिक्र कर चुके हैं एक अपने वीडियो में पहले, और मायावती के साथ भी दो मौक़ों पर बहुत करीब से बैठना हुआ, मंच पे एक साथ रहना हुआ। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान, 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान शायद, मुझे याद ठीक से याद नहीं है। लेकिन बात यह कि मायावती इतनी बड़ी लीडर और बहुत ही मजबूत, किसी का भी वोट इधर से उधर हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी का वोट कहीं भी नहीं जाता है, इतना भारी भरकम उनके पास वोट बैंक होने के बावजूद वो इतने प्रेशर में हैं, तो मामला कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर है। वरना जेल जाने से हेमंत सोरेन जेल में है वो नहीं दबे, अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच गए वो नहीं दबे, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी नहीं दिया था। और भी कई सारे लीडर्स, उद्धव ठाकरे, उनको जेल भेजा गया, बाद में वो रिहा हुए, उनके मुकदमे ख़त्म किए गए और सब कोर्ट ने फटकार लगाई एजेंसियों को। तो देश के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं जो जेल गए हैं। राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बहुत सारी कोशिशें की गई मगर वो नहीं डरे। मायावती एकदम से जो घिर गई हैं तो उनको ये सब कुछ तोड़ना चाहिए खुद। वो कैपेबल है और बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा समाज देश का आज भी उनके साथ है। अभी भी उन्होंने लोकसभा के चुनाव में तकरीबन 9% के आसपास, 8% से ऊपर वोट लिए हैं, सीटें नहीं मिली उनको एक भी, लेकिन वोट उनको मिले फिर भी। 9% वोट लेकर के कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 7 सीटें जीती हैं और मायावती को एक भी सीट नहीं मिली। आकाश आनंद एक अच्छे लीडर साबित होंगे आने वाले वक्त में। वो अपनी बुआ जी की तरह की राजनीति अगर नहीं करते हैं तब उनको लौटना पड़ेगा मान्यवर काशीराम की राजनीति पर, भीमराव अंबेडकर के मिशन के ऊपर। बहुजन समाज देश में बहुत भारी संख्या में है, देश में के अंदर कोई भी हुकूमत नहीं बन सकती किसी भी पार्टी की बिना बहुजन समाज के। लगेसी में इतना सारा जो वोट मिला हुआ है मायावती को, वो उसको बार बार ख़राब कर देती हैं। आप तोड़िए जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनको, खोल करके आइए। अगर गिरफ्तार कर भी लिया जाता है आपको तो उसमें क्या होगा, आपकी हैसियत कम नहीं होगी, आपका वोट बैंक कम नहीं होगा, आप कमज़ोर नहीं होंगी राजनीतिक रूप से,
खामोश रह करके, डर के रह करके आपने पूरे मिशन को, माननीय काशीराम के मिशन को धराशायी कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ये हम खबर बता रहे थे आकाश आनंद को लेकर के कि उनको बहुजन समाज पार्टी ने बहाल कर दिया है और वो अब जो पार्टी में उनकी हैसियत थी नेशनल कोऑर्डिनेटर की और मायावती के उत्तराधिकारी की, वो दोनों हैसियत उनकी बहाल हो गई हैं। एक और ख़बर आपको बताते हैं, यह खबर है कर्नाटक में आपने चुनाव से पहले सुना होगा, प्रज्वल रवन्ना जिसने 3,000 महिलाओं के साथ गलत काम किए थे, उन्हीं का एक भाई है। प्रज्वल रवन्ना जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री भारत और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे हैं। जनता दल सेकुलर JDS के MLC और पूर्व सांसद प्रज्वल रवन्ना के भाई सूरज रवन्ना के वकील कल अदालत में जमानत याचिका दायर करेंगे। किसकी? सूरज रवन्ना की। इसके ऊपर आरोप है अप्राकृतिक, जो शब्द बड़े गंदे हैं, तो वो सूरज रवन्ना की गिरफ्तारी पर उनके वकील पूर्णचंद्र ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि जांच चल रही है, वे सूरज रवन्ना पुलिस हिरासत में हैं, मैं उनसे नहीं मिला, मैं सिर्फ जांच अधिकारी से मिला हूं, कल मैं कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करूंगा। JDS के MLC और पूर्व सांसद रवन्ना, प्रज्वल रवन्ना के भाई सूरज रवन्ना को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूरज को पार्टी कार्यकर्ता के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सेक्सुअल हेरासमेंट के केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है। शिकायतकर्ता चेतन के एस पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 21 जून को सबसे पहले शिकायत DGP ऑफिस में भेजी, लेकिन बाद में 22 जून को हासान पुलिस को ईमेल के जरिए शिकायत की। शिकायत को होलेनार सी पुरा पुलिस को ही भेजा गया था। इसके बाद हासान पुलिस ने अभियुक्त को बुलाया और पूछताछ की, अब वो पुलिस की हिरासत में और उनके साथ उन पर जो आरोप लगे हैं वो बड़े गंभीर हैं। उनका जो भाई है वो 3,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ उसके सेक्स के जो वीडियोज वगैरह थे वो चुनाव के दौरान पब्लिक हुए थे। चुनाव में प्रज्वल रवन्ना हार गया था। ये देश के माननीय लोग हैं, माननीय कोई सांसद है, कोई पूर्व प्रधानमंत्री है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई वर्तमान में MLC है, देश के माननीय। अब जब इस तरह के लोग राजनीति में हैं तो ये समाज के लिए नासूर है, मुसीबत है। इनके जरिए जो कुकर्म हो रहे हैं उससे तमाम समाज, पूरी सारी चीज़ें एकदम धरम भरम हो रही हैं। इनके लिए तो ख़ास तौर से कुछ अलग से सजाएं होनी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए सजाओं के प्रावधान कुछ मुख्तलिफ होने चाहिए, क्योंकि ये ज़िम्मेदार लोग होते हैं। आम आदमी को भी चोरी में वही सजा और माननीयों को भी वही सजा, ये भी अब कुछ इस पर विचार हो।
ये जो माननीय है उनके लिए सजाएं कुछ माननीय टाइप की हुआ करें। ये एक दो खबरें थी, वहीं नीट परीक्षा और नेट परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो पेपर आउट हुए हैं उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, सीबीआई को ये पूरा मामला रेफर किया है शिक्षा मंत्री ने। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देने की कोई बात नहीं की है। नैतिकता के आधार पर पेशकश कर सकते थे कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर लिए, अब जांच होगी। 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भविष्य इस पेपर लीक की वजह से खतरे में पड़ चुका है। हमारा जो देश है, यहाँ जो समस्याएं हैं उनके समाधान है नहीं किसी के पास, क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है और ब्यूरोक्रेसी। राहुल गांधी ने अभी अपनी प्रेस वार्ता में कहा था, सारा निष्कर्ष राहुल गांधी की उस प्रेस वार्ता में है। आप देखें देश में जितनी समस्याएं हैं उनके कारण क्या हैं, वो एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने बहुत संक्षिप्त में बयान कर दिए हैं। देश की हर संस्था पर कब्जा है आरएसएस का, शिक्षा पर पूरी तरह से कब्जा है आरएसएस का, शिक्षण संस्थाओं पे कब्जा है आरएसएस का, पुलिस विभाग हो, जांच एजेंसियां हैं, सब कुछ आरएसएस के कंट्रोल में है, आरएसएस के कब्जे में है। होना ये चाहिए जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, वो कोई रिसीवर नियुक्त करे आरएसएस की जांच के लिए, आरएसएस पर निगरानी के लिए। कैसे काम करते हैं ये लोग, कहाँ से इनके पास फंड आते हैं, कौन लोग इनके डोनर्स हैं, कौन इनके मेंबर्स हैं, ये देश को पता चलना चाहिए। और रिसीवर नियुक्त किया जाए ताकि वो इनकी पूरी निगरानी करे। आरएसएस के काम करने का जो तरीका है, अंडरवर्ल्ड की तरह, माफियाज की तरह से, डीप स्टेट की तरह से, उस गिरफ्त में जो देश फंस चुका है, जब तक उससे निजात नहीं मिलेगी, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक देश के अंदर जो समस्या है उसका हल नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। तो हमारा अपना मानना ये है कि वर्तमान सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को, अदालत भी इस पर पहल कर सकती है, आदेश दे सकती है कि आरएसएस के ऊपर निगरानी रखने के लिए, निगरानी करने के लिए, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तो या तो सरकार नियुक्त करे या सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करे आरएसएस के खिलाफ। आरएसएस के बारे में तमाम जानकारियां दुनिया के सामने, देश के सामने आनी चाहिए। ये वो संगठन है जिसके ऊपर देश में तमाम तरह के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। जो लोग जेलों में मौजूद हैं उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर के कहा है, बड़े लीडर्स का, इंद्रेश कुमार का, मोहन भागवत का नाम लेकर के, कि इनको जानकारी थी आतंकवादी हमलों की, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हो या मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो या अजमेर दरगाह ब्लास्ट हो, उड़ीसा के कंधमाल में तमाम चर्च वगैरह जलवा दिए थे, तमाम आरएसएस के लोगों ने जलवाए थे। दारा सिंह उसमें एक बड़ा मशहूर हुआ था उस दौरान, फादर की हत्या कर दी गई थी, कितने ही सारे लोगों को मार दिया गया था, कई सारे चर्च को तबाह बर्बाद कर दिया गया था, आगजनी की गई थी। तो आरएसएस के
उसका जो लिंक है वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के भी सामने आते रहे हैं। तो खुद सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोमोटो नोटिस लेते हुए इनके खिलाफ कोई रिसीवर वगैरह नियुक्त करें, कोई निगरानी कमेटी वगैरह नियुक्त करें, ताकि देश को इस जंजाल से छुटकारा मिल सके। शुक्रिया आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तीसरी न्यूज़।